अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। राजस्थान में कोरोना संक्रमण अपने चरम प्रभाव से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में आज दोपहर तक करीब 76 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा उदयपुर में 23 मामले सामने आए हैं, जबकि जयपुर में 20 मामले सामने आ चुके हैं। इसी के साथ राजस्थान में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 3600 के पार पहुंच गया है। वहीं मरने वालों की संख्या भी 100 से ज्यादा हो गई है। वहीं बता दें कि प्रदेश की राजधानी जयपुर में आज मुरलीपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विकास नगर कॉलोनी में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जैसे ही क्षेत्र में इस बात का पता चला, पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षेत्र को सील कर दिया है, साथ ही मेडिकल टीम भी वहां पहुंची है। जानकारी मिल रही है कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए दोनों व्यक्ति सगे भाई हैं, जिसमें से एक भाई किराना स्टोर चलाता है। साथ ही पॉजिटिव पाए गए मरीजों के परिवार की भी जांच की जा रही है और उन्हें आइसोलेट किया गया है। इसके साथ ही प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए पूरे क्षेत्र को सील करते हुए सैनिटाइज किया है। बता दें कि राजस्थान के 33 जिलों में से अब तक 31 जिलों में कोरोना अपनी पकड़ बना चुका है, जिसमें से प्रदेश की राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जयपुर में कोरोना का मुख्य केंद्र रामगंज क्षेत्र है।